गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो लाइव वीडियो है ये जेनेटिक संबंधित प्रॉब्लम का है। मैं देवेन जी से पूछता हूँ, जो क्वेश्चन किया गया उससे पूछें तो मैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन ये था कि हमारा एक बच्चा है थैलेसीमिया मेजर से, अब हम सेकेंड टाइम ऐसा क्या करें कि हमारा बच्चा थैलेसीमिया का प्रॉब्लम ना हो और हमें पहले से पता चल रहा है। तो बेसिकली उनको जो जवाब दिया गया था वो जवाब ये था कि जब भी थैलेसीमिया का प्रॉब्लम लेके, जैसे ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, दोनों के बाद एक ये जो कपल था, इसको एक बेटा है ना? यस। एक बेटा हुआ है जो कि थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित है। इसका मतलब ये दोनों जन कैरियर हैं। अब इनका क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी ये चाहें वो प्रेगनेंसी थैलेसीमिया फ्री हो। यस। तो इसके दो ऑप्शन हैं, या तो ये आपस में फिर से प्रेग्नेंट हो ये लेडी, जैसे ये प्रेग्नेंट, बिकॉज दे आर नॉट इनफर्टाइल। तो ये जो प्रेगनेंसी होगी, इस प्रेगनेंसी को आप, इनका जो कैरियर स्टेटस है, कैरियर स्टेटस अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक अच्छी स्क्रीनिंग टेस्ट है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस HbA1c का, उसमें HbA2 का यदि मात्रा मोर देन 3% बढ़ जाए तो वो थैलेसीमिया कैरियर है। बट ये थैलेसीमिया कैरियर किस तरह का है वो नहीं बता पाते। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ये एक रिमोट है, ये रिमोट यदि ख़राब है तो हो सकता है कि इसका ओके बटन ख़राब हो या फिर इसका स्टार्ट बटन ख़राब हो, पर ये रिमोट ख़राब है। दूसरा रिमोट वो भी ख़राब है, उसमें हो सकता है कि उसका चैनल बटन ख़राब हो सकता है वॉल्यूम बटन ख़राब हो। तो ये रिमोट ख़राब होने का, ओवरऑल रिमोट इज़ नॉट गुड, नॉट वर्किंग, ओवरऑल हीमोग्लोबिन इज़ नॉट वर्किंग, बट जो उसका रीज़न है वो रीज़न किसी हीमोग्लोबिन चेन में कहीं पर कुछ गड़बड़ है, किसी जो ग्लोबिन जीन है वहाँ कुछ गड़बड़ है। ये बीटा ग्लोबिन जीन, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर ग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसका सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स होते हैं, उस अमाइनो एसिड का कहीं पर हो सकता है कि 2 नंबर ख़राब हो सकता है, किसी और का 5 नंबर ख़राब हो। अल्टीमेटली योर रिमोट इज़ नॉट वर्किंग, दैट इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट। बट व्हेन वी वांट टू नो कि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये किस फैक्टर के कारण है, तो उसको हम म्यूटेशन डायग्नोसिस बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों में म्यूटेशन का टाइप कौन सा है। यदि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में थैलेसीमिया माइनर यदि मैरिज करते भी हैं तो उनको अपना म्यूटेशन का टाइप पता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको टाइप को पता करने में टाइम लगता है। अब सपोज इसमें 6th amino acid का गड़बड़ हो और इसमें 9th amino acid का गड़बड़ हो, तो ये बच्चा या तो 9th वाला लेके या 6th वाला लेके, 6 9, ये एक तरह का, इसको कंपाउंड हेट्रोजाइगोट बोलते हैं, क्योंकि दोनों से अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स आ रहे हैं। कई बार डिफेक्ट्स एक जैसे रहते हैं। दोनों खराबी यदि आ जाए तो उसमें थैलेसीमिया मेजर होगा, इस बच्चे में है। अब ये कपल चाहता है कि हमको तो मालूम है कि हमारे पास में, दे नो देयर म्यूटेशन ऑल्सो, नाउ दे वॉन्ट अनदर प्रेगनेंसी जो थैलेसीमिया या तो कैरियर हो, तो ठीक है क्योंकि वो भी कैरियर है, या फिर थैलेसीमिया फ्री हो, बिकॉज एक बच्चा थैलेसीमिया लेके यदि पैदा होता है घर में, दैट मेक्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट डिटेल, बट द ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड लाइफ, आजकल बहुत पैसा जिनके पास है तो मेंटेन कर लें, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसको यदि नया प्रेगनेंसी यदि करते हैं तो हम इसको 3rd month में हम एक कोरियन वेलस सैम्पलिंग, मतलब हम ये जो प्रेगनेंसी है इस प्रेगनेंसी में जो उसका जो प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा से हम एक सैंपल निकाल के बता सकते हैं कि ये जो बच्चा भीतर है वो कैरियर है कि डिजीज्ड है कि डिजीज फ्री है।
अब मान लीजिए कि ये डिजीज्ड है तो इसको अबॉर्शन कराना पड़ेगा, तो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि अबॉर्शन तो आपने बहुत इजीली कह दिया, बट अबॉर्शन कराने में कितनी तकलीफ होती है वो। ये एक जेन्युइन बात है किसी भी कपल का, कि हम बोलते हैं कि आप टेस्ट करा लीजिए, यदि उसमें प्रॉब्लम निकलेगी तो आप एबॉर्शन करा लीजिए, बट एबॉर्शन कराना एक मेंटली, एक फिजिकली, साइकोलॉजिकली एक ट्रॉमेटिक होता है। तो क्या हम डिजीज फ्री एम्ब्रियो से एक कंसीव कर सकते हैं, डिजीज फ्री भ्रूण से? तो यदि भ्रूण बनाना है तो फिर इनको आईवीएफ कराना पड़ेगा। अब आईवीएफ तो ये फर्टाइल हैं, इनको आईवीएफ कराने की क्या जरूरत है, टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की क्या जरूरत है? तो इनका एग, वाइफ का और हस्बैंड का स्पर्म, ये दोनों मिलके हमने एक भ्रूण बनाया। अब इस भ्रूण को जब बनाया, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ये हमने लैब में बनाया, इसमें जो इनर सेल मास है उससे बेबी बनता है, और ट्रोफो एक्टोडर्म जिससे प्लेसेंटा बनता है, जिसमें हम बाद में प्रेगनेंसी के समय करते हैं, उसको हम दो तीन चार सेल निकाल के हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये भ्रूण डिजीज फ्री है कि नहीं वो बता सकते हैं, कि कैरियर है कि नहीं। तो जब इसको बच्चेदानी में बिठाने के पहले हम टेस्ट करते हैं, तो उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट फॉर मोनोजेनिक डिजीज, PGTM बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि PGTM कराने के बाद भी कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो बच्चा है वो थैलेसीमिया से नहीं होगा। क्वेश्चंस बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लिया मैंने। अब जब इसमें से हम ट्रोफोब्लास्ट से कुछ सेल निकाल के हम ये PGTM करते हैं, तो आप मान के चलिए कि यहाँ तो हमको बहुत सारे सेल मिल जाते थे, DNA बहुत सारा मिल जाता था, यहाँ पर हमको 3 या 4 सेल में से DNA मिलने वाला। उस DNA में हमको डायग्नोसिस करना है कि ये PGTM वाला, कि इसमें थैलेसीमिया हस्बैंड वाइफ दोनों का म्यूटेशन आया है कि किसी एक का आया है, या म्यूटेशन फ्री है। अब जो ही हम PGTM करने जाते हैं तो एक IVF का खर्चा आता है। इस IVF के खर्च में जितने भ्रूण बने सबका PGTM होगा, तो प्रत्येक भ्रूण का एक खर्च आएगा। इस खर्च करके एक सिलेक्शन होगा कि कोई डिजीज फ्री भ्रूण है कि नहीं। अब क्या ये वाला जो टेस्ट है ये डिजीज फ्री भ्रूण का पक्का गारंटी दे देगा कि भ्रूण डिजीज फ्री होगा? 2-3% नहीं भी हो सकता, कुछ एलील ड्रॉप आउट्स हो सकते हैं, कुछ प्रोसीजर में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो भी जेनेटिक लेबोरेटरी ये PGTM करके आपको ये बताती है कि ये डिजीज फ्री या फिर कैरियर है, और इसको जब आप प्लांट करते हो तो इससे जो प्रेगनेंसी होगी उस प्रेगनेंसी में आपको हमेशा ये बोला जाता है कि आप 3रे महीने में CVS करा लीजिए, या फिर चौथे और पांचवें महीने के बीच में एमनियोसेंटेसिस करा लीजिए। मतलब आप यदि IVF भी कराते हो तो आपको कन्फर्मेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस और CVS कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कन्फर्मेशन भ्रूण में 3 या 4 सेल में किया गया है, इसमें हमको DNA ज़्यादा मिलेगा तो पक्का होगा। इसमें फायदा ये है कि डिजीज वाले भ्रूण को, या डिजीज निकलने का चांस जब हमने डिजीज फ्री भ्रूण बिठाया था वो बहुत कम होगा, तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते, बट ये जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सच है कि ये फर्टाइल हैं तो इनमें प्रेगनेंसी रेट अच्छी होगी, यदि ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं तो 60% हो सकता है चांस ये प्रेग्नेंट हो जाए, बट 40% चांस है कि ये प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती। मतलब ये IVF जब बिठाएंगे प्रेगनेंसी ही ना हो, फेल हो जाए, मतलब आपने डिजीज फ्री भ्रूण बिठाया और IVF नहीं हुआ, तो ये जो पूरा कॉस्ट और पूरी एक्सरसाइज ये वेस्ट होती है। बट चूंकि ये फर्टाइल हैं तो इसमें प्रेगनेंसी रेट अच्छी होती है, तो PGTM एक बहुत अच्छा उपाय है
ऐसे केसेस में जिसमें कि ये हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया कैरियर हैं और एक डिजीज फ्री बच्चा कोशिश कर रहे हैं और कोरियन बायोप्सी से प्रीनेटल मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद टेस्ट करा के फिर एबॉर्शन के झंझट से बचना चाहते हैं, क्योंकि एबॉर्शन इज रियली अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरगो, बट IVF इज ऑल्सो नॉट वेरी ईजी थिंग फॉर दिस कपल। तो ये एक पर्सनल मैटर होता है कि आप प्रेग्नेंट होके, क्योंकि ये लिटिल बिट चीपर बट चांसेस ऑफ गेटिंग एबनॉर्मल बेबी विल बी मोर, सो यू नीड एबॉर्शन। हियर थिंग्स आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज फ्री बेबी इज मोर। और क्या क्वेश्चन थे उनके? क्वेश्चन यही थे मिली नहीं, ये क्या चलेगा भी कुछ? हाँ, एक उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, अगर हमने PGT करा लिया तो क्या उसमें HLA मिलेगा, HLA मैच वाला बेबी होगा? ये क्वेश्चन भी शायद हमने पढ़ा होगा कि HLA मैच वाला बेबी यदि मिलता है और डिजीज फ्री मिलता है तो वो जो बच्चा पैदा होगा तो उसका जो कॉर्ड ब्लड निकलेगा, उस कॉर्ड ब्लड को जो इनका सर्वाइविंग बेबी है उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बोन मैरो नहीं कॉर्ड ब्लड से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यदि कॉर्ड ब्लड से नहीं होता है तो ये जो आपका डिजीज फ्री बेबी बड़ा होगा यदि उस बेबी से HLA मैच करता हो तो ये एक अलग चीज़ है कि आप एम्ब्रियो बनाएं और उसका HLA मैच भी कराएं। HLA मैच इज कॉल्ड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट HLA, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ डूइंग PGT प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। हमको HLA भी करना है, हमको PGT-M भी करना है, ये करके फिर हम इसको यदि प्लांट करें बच्चेदानी में तो हमको एक डिजीज फ्री HLA मैच्ड भी मिल सकता है। HLA मैचिंग करा के करना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है कई लोगों के हिसाब से, बट आप देखेंगे कि जो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे होते हैं उसमें ये वाला बोन मैरो ट्रांसप्लांट या उसका HLA मैच वाला बोन मैरो पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। सिबलिंग से यदि HLA जितना मैच हो सके, यदि आप HLA बोन मैरो लेंगे तो वो बोन मैरो एक्सेप्ट हो सकता है और ये बच्चा डिजीज फ्री तो नहीं बट बर्डन कम हो सकता है डिजीज का, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगना कम हो सकता है। तो ये एक बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज़ अ मेथड नाउ ए डेज बिकॉज IVF इज देयर। इस तरीके से हम एक डिजीज फ्री भ्रूण को पा सकते हैं और एक डिजीज फ्री प्रेगनेंसी पा सकते हैं, बट उसमें भी एमनियोसेंटेसिस और CVS कोरियन विलर सैम्पलिंग थर्ड मंथ में या एमनियोसेंटेसिस 4 से 5 महीने के बीच में करना जरूरी होता है। आशा है जो जिनने भी ये, मैं इसलिए ये क्वेश्चन को लेके एक वीडियो बना दिया क्योंकि आई ऑलवेज हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज कपल, दोज पीपल और दोज फैमिलीज जहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खासकर थैलेसीमिया जो रोका जा सकता है, सिकल सेल एनीमिया, डुशन मस्कुलर डिस्ट्रफी, ये चीज़ें बहुत आती हैं और इनमें प्रीनेटल चूँकि सबके पास में उतना अफोर्ड करने की शक्ति नहीं होती, उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं IVF और PGT-M, तो दे नीड एन आंसर कि हम क्या करें, तो उनके लिए प्रीनेटल डायग्नोसिस एक बहुत अच्छा तरीका है। डेफिनेटली उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और IVF के अपने। आशा है ये जो कंटेंट है ये आपको अच्छा लगा होगा और यदि आप हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट को यदि अच्छा हमको पाते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल को भी देखिए, YouTube चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, Instagram में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं IVL Fertility को, और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्रिप्शन से जो रेट सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उससे हमको बड़ा हौसला मिलता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।